न्यूज तक को बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल कैटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी। धू धू कर जल रहा यह अपार्टमेंट न्यूयॉर्क के क्वीन बोरो इलाके का है, जहां करीब 400 दमकल कर्मी इस भयानक आग पर काबू पाने में जुटे रहे। इस रिहायशी अपार्टमेंट में लगी आग इतनी जबरदस्त थी कि सैकड़ों मीटर दूर से ही आग की ऊंची लपटों और धुएं के गुबार को देखा जा सकता था। यही कारण था कि आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों मेहनत करनी पड़ी। इस दौरान 16 दमकल कर्मियों समेत 21 लोग घायल भी हुए और करीब 240 लोगों को कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने के लिए करीब 400 फायर फाइटर्स घंटों मशक्कत करते रहे। अपार्टमेंट में आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है, जबकि फायर विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि अपार्टमेंट का दरवाजा खुला होने के कारण आग बहुत तेजी से फैल गई। उधर बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक संस्था रेड क्रॉस की तरफ से खाने पीने का इंतजाम किया गया। आग से कितना नुकसान हुआ और अपार्टमेंट में आग कैसे लगी इसकी जांच चल रही है।